अंदर चले आओ, दरवाजा खुला है। आज तक इतना बेशरम आदमी नहीं देखा। जानवर को भी ठोकर मार तो दूर जाता है, लेकिन तुम तो बेइज्जत होने के बाद भी मेरे पीछे आते हो। अनु प्लीज यहां से चले जाओ। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं यहां आता नहीं हूं संगीता मैडम, तुम मुझे बुलाती हो और आज भी तुमने मुझे बुलाया। क्यों बार बार एक ही बात को दोहराते हो तुम? और तुम बार बार इनकार क्यों करती हो? कल रात को तुमने फोन किया और मुझसे कहा कि अविनाश के सामने तुम मुझसे बात नहीं कर सकती। आज यहां आने के लिए कहा क्योंकि तुम अकेली हो। कोई और है क्या घर? नहीं है। झूठ क्यों बोल रही हो कि तुमने फोन नहीं किया? मुझे कैसे मालूम पड़ा कि तुम अकेली हो? मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि तुम्हें कौन फोन करता है। क्यों आते हो तुम यहाँ? संगीता, संगीता, संगीता रो मत, प्लीज 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 मत रो संगीता, कम ऑन, रो मत ना संगीता, प्लीज। रुला दिया ना मेरी बहू को। रुमाल दो क्या बेटे? सिर का दर्द ठीक हो गया बहुरानी? ये मैं नहीं जानती इसे कौन फोन करता है। हो जाता है बहू, हो जाता है, प्रेम की लहर में न जाने क्या क्या हो जाता है। अरे अपना होश ही नहीं रहता, कब फोन पर उंगली घूम जाती है पता ही नहीं चलता। मैं तो पूजा के लिए पैसे ले जाना भूल गई थी, इसीलिए आ गई। ए भगवान पाप न दिलाए, अगर ये पता होता कि यहाँ प्रेम परिंदे उड़ान कर रहे तो कभी भी ना आती। कोई बात नहीं बेटा, मैं अंदर चली जाती हूँ। हाँ सुन लिया, ये और कुछ सुनना बाकी है। शुरू से ये औरत मुझ पर शक करती है, ये सब तुम्हारी वजह से। अनूप, अनूप बेटे तुम कब आए? हमारे जाते ही आ गया था भाई जी। अच्छा, इसे कैसे पता चला कि हम जाने वाले हैं? सबको सब पता है, एक हमें ही कुछ नहीं पता। बहू, तुमने चाय वाय पिलाई कि नहीं अपने अनूप को? मम्मी ये अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। संगीता की तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हारे आने से दिल बहल गया इसका। हम तो बेकार ही पूजा छोड़ के आए जी। मम्मी मैं आपको कैसे समझाऊं ये? हम पहले ही समझदार हैं मम्मी, हमें बेवकूफ मत समझना। बेटी कुछ चाय वाय पूछी है नहीं? वो पिला देगी ना, आप क्यों ऑर्डर दे रहे हैं? आप चलिए अंदर आइए। अनूप बेटे, जब भी कभी बहुरानी से मिलने का मन करे ना, बेखौफ होकर आते रहना।